नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ दिया है। 21 अक्टूबर को होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस की प्राथमिकता और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर के अशोक तंवर कुछ समय से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे। अशोक तंवर ने 5 करोड़ रुपये टिकट को बेचे जाने का आरोप भी लगाया था। आज उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अशोक तंवर ने इस्तीफा देने की जानकारी भी दी। हाल ही में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पार्टी की सभी समितियों और जिम्मेदारियों से राहत देने के लिए अनुरोध है। साथ ही सोनिया गांधी को एक पत्र भी भेजा था और कहा था कि मैं एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करना जारी रखूंगा। हालांकि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने ट्विटर पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया था। वहीं उन्होंने कहा था कि वो प्राथमिक सदस्य के तौर पर पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, आपको बता दें कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी किया जाएगा। ऐसे में अशोक तंवर का पार्टी से चले जाना एक बड़ा झटका ही नहीं बल्कि पार्टी को काफ़ी नुकसान भी है। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।